मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत दोरिया खेड़ा के प्रतापगढ़ के कवरटाल गांव में 3 साल से बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों को आज भी बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस गांव में रहने वाले परिवारों की संख्या 50 है। समस्या ये है कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, बिजली कम से कम 3 साल से कटी हुई है। तो हम बिजली की समस्या, ना लड़का बच्चे पढ़ते हैं, ना लिख पाते, रात में तो चिमनी जितनी रही तो तेल रही, उतना पढ़ेंगे लिखेंगे उतने के बाद फट जाती है, लाइन सो जाते हैं, लेकिन बिजली का कोई उपयोग ही नहीं है। तो हम ना चाय हो रही, ना कुछ नहीं हो रही, मतलब कोई उपयोग ही नहीं है ना। अच्छा, तो बिजली कैसे कटा हुआ है, क्या क्या खराबी है? ट्रांसमिटर चल गई है। अच्छा, आप क्या कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अपने यहाँ बच्चे तो हैं, सब घर से एक एक दो दो बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे कम से कम जहाँ से 10-12 बच्चे होंगे अपने मोहल्ले। अच्छा, बच्चों को आप लोग स्कूल पढ़ाते तो उनको रात में पढ़ने की क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? चिमनी जलाते हैं, कैसे पढ़ाएं? तेल में जाते कंट्रोल ले सकते, चिमनी जलाते हुए तेल में नहीं मिला था, कोई मेरा मिलता कोई मेरा जैसा हमारे जैसे नहीं मिला, लेकिन बच्चे को फिर क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाते नहीं ना, आधा एक घंटा पढ़ाते हैं शाम को, बस सो जाते हैं। लाइट हो तो बच्चे कुछ देर तक पढ़ेंगे, अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? भाई स्कूल में जितने पढ़ते हैं उतना ही, फिर घर में आकर क्या पढ़ेंगे? हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पढ़ाई में दिक्कत जाती है। इस बार बहुत से किसान लोग काफी गेहूं बो रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बो रहे? क्या क्या करे, काय में बोए भाई? लाइट नहीं है, लाइट होती तो मोटर वेटर पानी देते, गेहूँ बोते। अब इंजन लाएंगे तो इंजन देखो डीजल बहुत महंगा है, इंजन में किराया लाएंगे, किराया वाला 650-600 रुपये 700 रुपये दिन कहता है। अब भाई उतना इंजन किराया देंगे पर डीजल जलाएंगे तो उतना आवक हुआ नहीं हुआ, किसानी में ये तो है। ये ट्रांसफार्मर आपका जला हुआ है तो ट्रांसफार्मर को चेंज करने के लिए आप लोगों ने अधिकारी से चर्चा की है? हाँ, लाइनमैन से बोले थे। हाँ, तो उनने क्या बोले? हाँ, बिजली विभाग के लाइनमैन बिजली बिल देते हैं, उनसे बात की है तो बोले लग जाएगी मैंने आज तक लगाई नहीं। सब बोले तीन चार बार बोल चुके, लेकिन हाँ लग जाएगी लेकिन लगाते नहीं, तो क्या करें? आपको 3 साल से बिजली नहीं मिल रही है तो बिल कैसे, बिल आता है हर महीने? बिल तो आता है, बिल आ रहा है हर महीने, क्या आ रहा है, लेकिन हम पटाएंगे क्या से? हम जब बिल ही नहीं, लाइट ही नहीं तो हम पटाएंगे कैसे? हम पटाते ही नहीं है। अच्छा, तो यदि आपको लाइट मिलेगी तो इसमें आपको क्या फायदा है? लाइट मिलेगी तो लड़का बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, घर में उजिया रहेगी तो मतलब कोई भी कीड़ा कटंकर नहीं आती। अब इंडेली में हर चीज़ परेशान होती है, चिमनी जला के लोग खाना खाते हैं, चिमनी जला के खाना बनाते हैं रात में, सब इंडेली में दिक्कत होती है। अच्छा, उसमें थोड़ी मोटी अपन भी जैसे लाइट रहती थोड़ी मोटी किसानी भी कर सकते, सब लोग किसानी कर रहे हैं, लेकिन हम जो लाइट के साधन नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम कहाँ से किसानी कर सकते हैं? हमें कोई चीज फायदे नहीं, उपयोग ही नहीं है, हम तो बैठे हैं जो करीब जैसे लाइट रहती तो हम किसी से बात भी होती, सब कुछ अपन न्यूज मिलती, अपने घर टी वी रहती, कुछ भी रहती तो कुछ नॉलेज होता। अब लाइट ही नहीं है तो हम क्या नॉलेज रहेंगे? मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि यदि आप प्रतापगढ़ कवरटाल गाँव के लोगों की समस्या से प्रभावित है तो आप हमारे तामिया ब्लॉक के विद्युत मंडल को 071-47-22-28 में बात करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मैं राजू परदेती, प्रतापगढ़ से इंडिया अनहर्ट के लिए।